गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 11th क्लास की एक्सरसाइज 2.2। तो आइए गाइस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 डैश डैट डैश 14। मीन्स गाइस ये हमारी फंक्शन रिलेशन वाली एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें रिलेशन दिया है कि ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 14। और उसने एक रिलेशन दिया है हमें, रिलेशन देखते हैं क्या है। आर इक्वल्स टू एक्स वाई 3x-y इक्वल्स टू 0, जहाँ एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए। मीन्स एक्स वाई मेरे जो ए के एलिमेंट हैं, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 2.2 का। तो गाइस यहाँ पर मुझे बताना है कि रिलेशन क्या आएगा, क्या ए से ए का संबंध आर लिखिए। मीन्स ए के साथ ए का जो रिलेशन है वो यहाँ पर मुझे बताना है, उसके हमें एलिमेंट बताने हैं क्या आएंगे। तो आइए गाइस देखते हैं। तो यहाँ पर मैं यदि एक्स की जगह 1 रख देता हूँ 1, तो 3 1 जो 1 माइनस वाई की जगह मैं क्या रखूँ जो 0 आए, तो मुझे जो ये होगा इसी के इक्वल वाई की जगह लिखना पड़ेगा कि 3 1 जो 1 मीन्स 3 आएगा, तो मेरा वाई की जगह क्या आएगा, यहाँ 3 लिखूँगा। तो मेरा जो युग्म बनेगा, क्रमित युग्म, वो मेरा रिलेशन का युग्म बनेगा। तो आइए गाइस देखते हैं वो क्या बनेंगे। तो रिलेशन के युग्म देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहे हैं मेरे। तो मैं यहाँ 1 रखता हूँ 3 1 जो 3 माइनस, और वाई की जगह मैं 3 रख देता हूँ, तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो ये मेरा एक युग्म बन जाएगा 1 और 3। उसी तरह से सेकंड देखते हैं गाइस, सेकंड युग्म क्या बनेगा मेरा। यहाँ पर मैं एक्स की जगह 2 रख देता हूँ 2, 3 2 जो 6, और वाई की जगह मैं 6, यहाँ 6 में से 6 माइनस करूँगा, तो तभी मेरा 0 आएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं वाई की जगह रख दूँगा 6 और एक्स की जगह 2, तो 3 2 जो 6, 6 में से 6 गए 0, तो मेरा एक ये युग्म बन जाएगा यहाँ पर 2 और 6। इसी तरह से थर्ड देखते हैं गाइस, यहाँ पर मैं रख दूंगा 3, तो 3 3 जो 9, तो 9 माइनस 9 0, तो क्योंकि ये मेरे 14 तक हैं तो 9 इन्हीं के अंदर इंक्लूड है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं मेरे ये आ जाएगा 3 और 9। इसी तरह से 4 देखते हैं, 4 रखूँगा तो गाइस ये मेरा हो जाएगा 12, और 12 माइनस 12 हो जाएगा तो मेरा 0 आ जाएगा। उसी तरह से मेरा फोर्थ युग्म आ जाएगा इस 4 और 12। उसी तरह से यहाँ पर 5 रखता हूँ तो 3 15 आ जाएगा, लेकिन ये 14 से आउट हो रहा है यानी बाहर है। तो गाइस यहाँ पर केवल इतने युग्म मेरे यहाँ पर बनेंगे। तो गाइस ये मेरा रिलेशन के युग्म निकल कर आ गए हैं। तो गाइस आइए जानते हैं इसके और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो इसका हमें प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो गाइस इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर, तो देखते हैं संबंध आर का प्रांत। तो गाइस संबंध आर का प्रांत देखते हैं। तो गाइस प्रांत क्या होते हैं, जो हमारे रिलेशन के जो रिलेशन आया है उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है या समुच्चय होता है, वो ही हमारा प्रांत होता है। फर्स्ट एलिमेंट का क्या है यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। तो गाइस इनका मैं सेट बना रहा हूँ, सेट को हमेशा हम मंझले ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो मेरे ये 1, 2, 3 और 4, तो गाइस ये मेरा इसका प्रांत आ जाएगा। अब देखते हैं गाइस इसका परिसर। तो इस परिसर क्या है, जो मेरे सेकंड एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट हैं रिलेशन के, वो मेरे परिसर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3, 6, 9 और 12, ये गाइस मेरे इसके परिसर आ जाएंगे इनका सेट। तो गाइस ये मेरे यहाँ पर क्या आ गए, परिसर। अब देख लेते हैं गाइस सहप्रांत, सहप्रांत क्या होगा मेरा, संबंध आर का सहप्रांत। तो गाइस सहप्रांत क्या होता है मेरा, जिसका जिससे संबंध होता है वही सेट मेरा सहप्रांत कहलाता है, उसी के एलिमेंट मेरे सहप्रांत कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए का संबंध ए के साथ था, तो मीन्स जिसके साथ था, किसके साथ था, ए के साथ, तो यहाँ पर ए ही मेरा सहप्रांत होगा। तो रिलेशन आर का सहप्रांत क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए का ए के साथ ही रिलेशन था यहाँ पर।
तो गाइस देखते हैं सैप्रांत एलिमेंट क्या होंगे, जो ए के होंगे 1 2 3 4 डैश डैश 14। तो गाइस ये मेरा इसका सैप्रांत आ जाएगा। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस सेकंड क्वेश्चन दिया है उसने हमें, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर हमें उसने एक सेट दिया है, उसमें रिलेशन दिया है एक, तो आर इक्वल्स टू जो रिलेशन दिया है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्स वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव और एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एन, तथा यहाँ पर एक कंडीशन दी है उसने कि एक्स स्मॉल है 4 से। तो गाइस मुझे इसके रिलेशन फाइंड आउट करना है कि रिलेशन के एलिमेंट क्या होंगे वो फाइंड आउट करना है, इसका प्रांत और परिसर फाइंड आउट करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं यदि एक्स की वैल्यू 4 से कम रखता हूँ यानी 1 2 3 रखता हूँ तो जो मेरी वाई की वैल्यू आएगी और जो उनके क्रमित युग्म मुझे मिलेंगे उन्हीं का सेट मेरा रिलेशन कहलाएगा। तो आइए देखते हैं गाइस, तो आर रिलेशन देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स की जगह 1 तो 5 + 1 = 6, तो वाई की वैल्यू 6, यानी एक्स की वैल्यू जब मैं 1 रख रहा हूँ तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिल रही है 6, तो एक ये होगा। सेकंड देखते हैं गाइस एक्स की जगह 2 रख रहा हूँ तो 2 + 5 = 7, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, मीन्स एक्स की सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या लिखी 2 यहाँ रखी तो 5 + 2 = 7, यानी वाई की वैल्यू 7, क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा एक्स का होता है सेकंड वाला वाई का होता है। इसी तरह से गाइस 3 रखूँगा मैं 3 और 8 मेरी ये वैल्यू आ जाएगी 5 + 3 = 8, क्योंकि मैं 4 से कम रखनी है तो मैं 4 तो रख नहीं सकता, इसलिए यही मेरा यहाँ पर रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो गाइस अब मुझे बताना है इसके प्रांत, तो गाइस सिंपल है प्रांत क्या हो जाएगा इसका, आइए प्रांत देखते हैं। तो प्रांत क्या होता है गाइस, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट मेरे प्रांत होते हैं, रिलेशन के जो रिलेशन निकल के आया उस सेट के ही मुझे एलिमेंट लेने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1 2 3। उसी तरह से गाइस परिसर देख लेते हैं इसका, ये गाइस प्रांत और परिसर रिलेशन के निकाल जाते हैं जो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। तो गाइस परिसर क्या हो जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो मेरे परिसर होते हैं, यानी 6 7 और 8, तो 6 7 और 8 का सेट यानी 6 7 और 8 का समुच्चय मेरा परिसर कहलाएगा। तो गाइस ये यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, दो सेट दिए हैं मुझे उसने, ए इक्वल्स टू 1 2 3 5 एंड बी इक्वल्स टू 4 6 9। ए और बी में एक रिलेशन दिया है और मुझे रिलेशन को क्या है सारणी विधि में या रोस्टर रूप में लिखना है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन दिया है उसने, एक सेट है 1 2 3 और 5, इसी तरह से बी एक और सेट है 4 6 और 9। तो गाइस ए और बी में रिलेशन दिया है मुझे उसने आर, तो आर इक्वल्स टू एक्स वाई, यहाँ पर एक्स और वाई का अंतर जो है वो विषम है, यानी इन्हें मैं माइनस कर रहा हूँ तो मुझे एक विषम संख्या मिल रही है यहाँ पर, जहाँ x इज द एलिमेंट ऑफ a और y इज द एलिमेंट ऑफ b, मीन्स x मेरा a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है। द्वारा परिभाषित है। तो भाई यहाँ पर मुझे रिलेशन लिखना है इनके बीच में क्या होगा, तो आइए गाइस रिलेशन देखते हैं। तो गाइस देखते हैं कि विषम संख्या आनी चाहिए घटाने पर, तो मैं 1 में से 4 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, सॉरी एक्स और वाई का अंतर, तो यानी हम एक्स और वाई में से किसी में से जो बड़ी होगी उसमें से घटा सकते हैं, जो 4 में से मैं 1 घटाऊँगा तो विषम 3 आएगा, इसी तरह 6 में से 1 घटाऊँगा तो विषम 5 आएगा। तो देखते हैं गाइस क्या क्या मेरे पेयर बनते हैं, तो 1 4 बन जाएगा एक, 1 6 2 9, क्योंकि 9 में से मैं 2 को घटाऊंगा तो 7 आ गया, यानी विषम संख्या आएगी मेरी। इसी तरह से गाइस और बनेंगे मेरे 3 4, ये 4 में से 3 माइनस करूंगा मैं तो मेरे पास 1 बचेगा, इसी तरह से 6 6
और थ्री भी हो सकता है, सॉरी थ्री और सिक्स कह सकते हैं कि एक्स का, ठीक है इसका सिक्स, तो थ्री में से उस सिक्स में से थ्री गया तो थ्री बचेगा, उसी तरह से एक पेयर बन जाएगा फाइव और फोर का, और एक बन जाएगा फाइव और सिक्स का। तो भाई ये मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखनी थी यानी सारणीबद्ध विधि में, वो मैंने आपको लिखकर यहाँ पर दिखा दी है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, यही इसका आंसर होगा। गाइस फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसने मुझे, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसने मुझे, दी हुई आकृति समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। तो हमें समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में संबंध लिखना है, उसके प्रांत और परिसर क्या है ये बताने हैं। तो गाइस उसने मुझे यहाँ पर एक डायग्राम दिया है या रिलेशन दिया है, ये मेरे पी है और यहाँ पर एक क्यू सेट है जिसके एलिमेंट उसने मुझे दिए हैं, यहाँ पर फाइव सिक्स और सेवन है, यहाँ पर थ्री फोर और फाइव है। तो यहाँ पर फाइव का रिलेशन थ्री के साथ दिया है, इसी तरह से सिक्स का रिलेशन फोर के साथ दिया है और सेवन का रिलेशन फाइव के साथ दिया है। तो गाइस यहाँ पर मुझे बताना है कि समुच्चय निर्माण रूप में मुझे यहाँ पर इसका रिलेशन लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है। तो गाइस पहले लिख लेते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में संबंध, तो समुच्चय निर्माण रूप में संबंध हम इसका इस तरह से दिखा सकते हैं कि थ्री और वाई का रिलेशन एक्स माइनस टू, जहां पर हमारा एक्स जो फाइव सिक्स और सेवन के लिए होगा केवल। आइए इसका मतलब समझते हैं गाइस, कि यहां पर मेरे वाई की वैल्यू वो आएगी जो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा उसके हिसाब से, क्योंकि एक्स की वैल्यू मेरे पास मान ली, मेरे पी जो अवयव है ये सारी वैल्यू मेरी एक्स की हैं, और क्योंकि सभी वैल्यू मेरे वाई की हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक्स की वैल्यू में फाइव रखता हूँ तो फाइव माइनस टू, तो वाई क्या आगा थ्री, तो यानी फाइव और थ्री में रिलेशन है। इसी तरह से यहाँ पर मैं सिक्स रखता हूँ तो सिक्स माइनस टू फोर, यानी वाई की वैल्यू क्या आई फोर, यानी फोर और सिक्स में रिलेशन है। इसी तरह से मैं एक्स की वैल्यू सेवन रखता हूँ तो गाइज मेरी आ जाएगी सेवन माइनस टू यानी फाइव, मीन्स एक्स तो ये है ही और वाई ये है, तो इन भी के बीच रिलेशन है, क्योंकि एक्स की वैल्यू सेवन में से मैं फाइव टू घटा रहा हूँ तो मेरा फाइव आ रहा है। तो गाइज सेवन में से सेवन का रिलेशन किसके साथ है, फाइव के साथ। इसी तरह से हमें यहाँ पर रिलेशन की एक इक्वेशन बनानी पड़ती है जो मैंने यहाँ पर बना दी है। तो गाइज ये इसे हम समुच्चय निर्माण विधि में इस तरह से दिखा सकते हैं गाइस। अब देखते हैं गाइस इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो गाइस रोस्टर रूप में देख लेते हैं इसको, रोस्टर रूप में संबंध। तो गाइस रोस्टर रूप में हमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट रिलेशन दिखाना होता है। तो किस किस के बीच रिलेशन है, अभी हमने फाइंड आउट किया था फाइव पुट किया था तो यहाँ पर वाई की वैल्यू थ्री आई थी, यानी फाइव पुट किया तो वैल्यू क्या आई थ्री वाई की। इसी तरह से यहाँ पर सिक्स पुट किया तो वाई की वैल्यू आई फोर यानी सिक्स फोर। इसी तरह से यहाँ पर सेवन पुट किया तो वाई की वैल्यू आई फाइव, मीन्स सेवन और फाइव, जो कि गाइज हम यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि फाइव की फाइव का रिलेशन थ्री के साथ है, सिक्स का रिलेशन फोर के साथ है और सेवन का रिलेशन फिफ्थ के साथ है। फिर रिलेशन क्या होता है मैंने अपने पहली वीडियो में आपको बताया, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ए के या पी के किसी भी एलिमेंट का क्यू के किसी भी एक एलिमेंट के साथ संबंध होना चाहिए, एक से ज़्यादा के साथ नहीं। तो यहाँ पर फाइव का रिलेशन केवल थ्री के साथ है, थ्री से ज़्यादा एलिमेंट के साथ नहीं है। तो गाइस इसलिए इनके बीच ये रिलेशन है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट का रिलेशन इसके सभी सिंगल एलिमेंट के साथ है। तो गाइस रोस्टर रूप में हम इसे इस तरह से दिखा देंगे। तो अब इसका प्रांत देख लेते हैं गाइस, प्रांत क्या होगा, संबंध आर का प्रांत। तो गाइस संबंध आर का प्रांत हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग के जो वर्ड, ये स्टार्टिंग के नंबर्स जो होते हैं ये मेरे प्रांत होते हैं, तो यानी फाइव सिक्स और सेवन,
सिक्स और सेवन मेरे प्रांत हो जाएंगे। अब इसका परिसर देख लेते हैं गाइस, संबंधार का परिसर। तो परिसर क्या होते हैं गाइस, जो लास्ट के नंबर होते हैं वो मेरे परिसर होते हैं, यानी थ्री फोर और फाइव। तो गाइस यही यहाँ पर मुझे बताना था। गाइस क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया है इसने हमें। उसने कहा कि एक कोई सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट वन टू थ्री फोर और सिक्स हैं, और उसने रिलेशन दिया है एक आर इक्वल्स टू ए बी। जो ए बी हैं ये मेरे ए के ही एलिमेंट हैं, ए तथा सॉरी ए संख्या बी को विभाजित करती है। ए संख्या बी को विभाजित करती है। तो गाइज मुझे यहाँ पर रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या है नंबरों के बीच, जो बताना है मुझे। तो गाइज देखते हैं यहाँ पर, तो ए संख्या बी को विभाजित करती है। तो गाइज यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट वन सभी को विभाजित करेगा हमें पता है। तो गाइज वन के सभी के साथ रिलेशन होगा, यानी वन के वन का साथ भी होगा, वन का ही टू के साथ भी होगा, वन का ही थ्री के साथ भी होगा, और वन का फोर के साथ भी होगा, और वन का ही सिक्स के साथ भी होगा। इसी तरह से गाइज टू देखते हैं, टू किसको विभाजित करेगा, फोर को, सिक्स को और टू को। तो गाइज टू का क्या होगा देखते हैं। तो गाइज टू का टू के साथ होगा, टू का फोर के साथ होगा, और टू का सिक्स के साथ होगा। इसी तरह से गाइस थ्री को देखते हैं, तो थ्री थ्री को डिवाइड कर देगा, यानी थ्री का थ्री के साथ रिलेशन होगा कुछ ना कुछ, थ्री का सिक्स के साथ होगा क्योंकि थ्री सिक्स को डिवाइड कर देगा, और इसी तरह से फोर फोर को डिवाइड कर देगा, और सिक्स सिक्स को डिवाइड कर देगा। तो गाइस ये मेरे कुछ क्रमित युग्म आ गए हैं रिलेशन के, तो यानी रिलेशन मेरा फाइंड आउट हो गया है। अब देखते हैं गाइस के हमें बताना है प्रांत परिसर। तो गाइस इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा वो देखते हैं। तो गाइस आर का प्रांत देखते हैं, यानी रिलेशन का प्रांत। तो गाइस प्रांत में हमें जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो केवल एक बार लिखनी होती है। तो गाइस यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा मेरा, वन ये रिपीट है तो एक बार ले लेंगे, टू थ्री और फोर और सिक्स, मीन्स वन टू थ्री फोर और सिक्स, ये मेरा इसका प्रांत हो जाएगा। अब आर का परिसर देखते हैं गाइस, तो आर का परिसर क्या होने वाला है गाइस, वो भी मेरा यही हो जाएगा क्योंकि वन टू थ्री फोर सिक्स यही चीज़ सब जगह रिपीट है। तो गाइस यहाँ पर केवल एक बार लिख लेंगे, वन टू थ्री फोर और सिक्स। तो गाइस इसके मेरे ये आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, हमारा सिक्स क्या है। तो गाइस उसने हमें रिलेशन दिया है आर इक्वल्स टू एक्स और एक्स प्लस फाइव। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव। तो गाइस यहाँ पर मुझे पहले रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, तो आइए रिलेशन देखते हैं क्या होगा। तो एक्स की वैल्यू मैं जीरो रखता हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो प्लस फाइव, फाइव मीन्स एक आ जाएगा जीरो फाइव। एक्स की वैल्यू वन पुट करता हूँ, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस फाइव सिक्स मीन्स वन सिक्स। इसी तरह से टू पुट करूँगा तो टू सेवन, इसी तरह से ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो मेरी वाई की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू ये है ही। तो इसी तरह से थ्री एट फोर नाइन और फाइव और टेन। तो गाइस ये मेरा यहाँ पर रिलेशन आ गया, मुझे यहाँ पर इसका प्रांत बताना है। तो संबंध आर का प्रांत क्या होगा, संबंध आर का प्रांत तो गाइस वो हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट मीन्स जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव। इसी तरह से गाइस आर का परिसर बताना है, तो आर का परिसर हो जाएगा मेरा फोर
5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो गाइस इसमें यही बताना था केवल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संबंध आर इक्वल्स टू दिया है उसने, एक संबंध दिया है उसने हमें। तो गाइस 7th नंबर देखते हैं, संबंध दिया उसने हमें आर इक्वल्स टू एक्स और एक्स की क्यूब, एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो इसे क्या हमें रोस्टर रूप में इसका हमें रिलेशन दिखाना है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी हमारे, देखते हैं। 10 से कम तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी मेरी 2, 3, 5 और 7। तो गाइस इसे हम रोस्टर फॉर्म में दिखाना, तो रोस्टर फॉर्म में दिखा देंगे रिलेशन इसका क्या हो जाएगा। तो गाइस फर्स्ट संख्या में x की जगह 2 रखूँगा, तो यहाँ पर भी 2 रखूँगा क्योंकि x ही है। तो 2 की क्यूब क्या हो जाएगी, 8। तो यानी 2 और 8। इसी तरह से यहाँ 3 पुट करूँगा तो 3 और 3 की क्यूब 27, 3 और 27। इसी तरह से 5 यहाँ पर पुट करूँगा, 5 और 5 की क्यूब 125, 5 और 125। इसी तरह से यहाँ 7 पुट करूँगा, 7 और 7 की क्यूब 343। तो गाइस ये मेरा यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। तो गाइस ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है गाइस मेरा, ए कोई सेट दिया है, ए जिसके एलिमेंट हैं एक्स वाई और जेड। इसी तरह से बी एक और सेट दिया है जिसके एलिमेंट दिए हैं 1 और 2। तो गाइस यहाँ पर मुझे क्या बताना है, ए और बी के संबंधों की संख्या। तो गाइस ए और बी के संबंधों की संख्या हम कैसे फाइंड आउट करूँगा, सबसे पहले मैं ए इंटू बी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो गाइस ये मेरा हो जाएगा एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू जेड वन और जेड टू। तो गाइस यहाँ पर ये मेरा ए इंटू बी हो गया। तो एलिमेंट कितने हैं ये कि यानी पेयर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी एन ए इंटू बी मेरा है 6, तो वो मेरा होता है 2n³। तो मीन्स गाइस तो यहाँ पर मेरे संबंधों की संख्या आ जाएगी मेरी इसके उपसमुच्चयों की संख्या के, यानी तो गाइस यहाँ पर मेरी ये संबंधों की संख्या आ जाएगी 26, जो किसके इक्वल्स होगी यानी उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी मेरी 64। तो गाइस यहाँ पर मेरा इसका आंसर। क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9th क्या है। एक रिलेशन दिया है उसने कि आर समुच्चय जेड पर एक संबंध है। तो उसने एक रिलेशन भी दिया है कि आर इक्वल्स टू ए बी, ए इज द एलिमेंट ऑफ जेड, बी इज द एलिमेंट ऑफ जेड और ए माइनस बी एक पूर्ण संख्या है। तो गाइज यहाँ पर जब उसने कहा है कि आर समुच्चय जेड में एक संबंध है, यानी पूर्ण संख्या है, जेड यहाँ पर पूर्णांक है। तो ए और बी में से मैं माइनस करता हूँ कोई भी दो संख्या, तो मेरे क्या आएगी, पूर्णांक होगी। वो किसकी संख्या होगी, वो जेड की ही एक संख्या होगी, यानी पूर्ण संख्याओं की ही एक संख्या होगी। तो गाइज उसके सभी एलिमेंट मेरे पिरांत हो जाएंगे, यानी आर संबंध का पिरांत। तो वो मेरे किसके इक्वल्स हो जाएगा, वो मेरे जेड यानी पूर्णांकों के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर ही होगा, क्योंकि मेरे फर्स्ट एलिमेंट जो भी होंगे वे सभी पूर्ण संख्या होंगे, तो यानी मेरे पूर्णांक होंगे। तो गाइस वो मेरे जेड के इक्वल होगा। इसी तरह से और देखते हैं
संबंध आर का परिसर। तो गाइस परिसर भी मेरी पूर्ण संख्या होगी जो मेरे जेड के अंदर ही होगी, तो गाइस इसका परिसर भी जेड होगा। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे मेरे पहले वाली वीडियो को जाकर जरूर देखें गाइस। सबसे आसान मेथड में आपको सबसे जल्दी समझ में आ जाएगा। थैंक।